progress. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सॉरी फॉर बीइंग लेट गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी. अच्छा जी, आपकी मैं डिस्कशन सुन रही थी. तो बहुत सुनका हो गया, थोड़े से रह गए हैं जी. अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह. बाकियों का भी एक शायद यहाँ पर रह गया, कोई इशू वो भी हो जाएगा अभी तो गोल. बाकी मेरा तो इंपा हो गया, असर का भी तकरीबन हो गया. अच्छा, सो ओनली शहरयार इज लेफ्ट, सो दैट मींस यू गाइस हैव फिगर्ड इट आउट. वेरी गुड. हैव यू डॉक्यूमेंटेड इट ऑल ऑफ यू? यस आई हैव. जिन्होंने गेट इग्नोर का कहा है, उसामा ने कहा था, फहीम ने, साद ने बताया है कि वो फाइल के अंदर ही आपने स्ट्रिंग में देना होता है अपना कोड सीक्रेट. इसमें मैं वो मैंने कोड की स्निपेट्स वगैरह लगा के एक्सप्लेन किया. लेकिन ये बात है कि आपको उसमें ठीक है. जेसन फील्ड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वैसे अगर डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वो ऑप्शनल है पैरामीटर. ये आपने लिखा है आपके डॉक्यूमेंट में कि डॉक्यूमेंटेशन में ऑप्शनल है बट इट इज तो जो की थी उसका मैंने नाम रख दिया एक्सेस फॉर इंस्टेंस, और जो वैल्यू थी उसमें मैंने अपना पर्सनल टोकन प्लेस कर दिया था. तो जब आपने इसको एक्सेस करना है यूजिंग कोड पाइपलाइन में से, जब उसने एक्सेस करना है तो वो उसको वो की पता होनी चाहिए कि किस नाम पे, क्योंकि आप उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डिक्शनरी की उसको की पता होनी चाहिए. बट वी डिडंट ट्राई के हम लोग की के बगैर स्टोर करके देखते हैं, क्योंकि अगर उसमें ऑप्शन लिखा है तो माइट बी पॉसिबल कि की के बगैर आपको क्रेडेंशियल स्टोर हो जाए और आपको फिर जेएसओन फील्ड देने की जरूरत ना पड़े. हमने ये भी तो ट्राई नहीं किया. इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल से हो सकता है की के बगैर, क्योंकि वरना वो उसको ऑप्शनल ना डिफाइन करते अपने डॉक्यूमेंटेशन. हाँ, मेरे भी बात करने का मकसद यही था कि अगर वहाँ पे ऑप्शनल डिफाइन हुआ है तो कोई ना कोई रीजन तो होगी पीछे. अस्सलाम वालेकुम उमर, आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ जी, अब आ गई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आपकी आवाज आ रही है. थैंक यू वेरी मच. बिफोर वी स्टार्ट विद एनीथिंग, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, सायरा'स ग्रैंडफादर हैज पास्ड अवे. सो मैं कह रही थी कि अगर हम उनके लिए दुआ कर लें स्टार्ट करने से, क्लास स्टार्ट करने से पहले, एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद द क्लास. बिल्कुल सही. Saira, we are very sorry to hear that. Please let us know if we can be of any help, any support for you. Please do let us know. Chalenji, I think okay. we should
start with the class. Most of the students have mashallah done it. I think there is only a couple left. बाकी आप उमर को अपडेट कर दें आपके जो इश्यूज आए थे और आपने जिस तरह उनको सॉल्व किया. जी तो यानी कोड पाइपलाइन की बात हो रही होगी एक मोस्टली स्टूडेंट्स की. जी सर अल्हम्दुलिल्लाह होगी. अच्छा चलिए जबरदस्त. एक वेरिएबल छोटा सा वेरिएबल था जिसने पूरा हफ्ता जाया किया. वो क्या वेरिएबल था? वो वेरिएबल था जेसन फील्ड वाला. क्या मतलब क्या चेंज उसमें? इशू ये हुआ था मेरे साथ, तो मेरी जो बड़ी सिली सी मिस्टेक थी वो ये थी कि मैंने फर्स्ट टाइम डिप्लॉय किया था सिंगापुर में एपी साउथ ईस्ट में. वहां पे जो मेरी क्रेडेंशियल स्टोर थे ना वो किसी और की के साथ स्टोर थे, लेकिन बूटस्ट्रैपिंग पे जब भी कोई डिफॉल्ट बकेट बनती थी वो यूएस ईस्ट 2 में बनती थी. तो मैंने जब शिफ्ट किया था साउथ ईस्ट 1 से यूएस ईस्ट 2 में, तो मैं अपनी जो मैंने जो यूएस ईस्ट 2 में जो अपने गिटहब के क्रेडेंशियल्स थे वो काफी पुराने स्टोर किए थे. तो मैं ये भूल गया था कि मैंने वहां पे की अपनी वो वाली देनी है जो यूएस ईस्ट 2 में स्टोर है मेरे पास. मैं उसी की के साथ चल रहा था जो साउथ ईस्ट 1 में थी. तो बस ये तो आपका ये इशू तो लेकिन डिप्लॉय हो जाता पाइपलाइन उसके बाद आना था. तो आपको तो पाइपलाइन डिप्लॉय नहीं हो रहा था ना शुरू में? नहीं नहीं सर, मेरा डिप्लॉय यही मैंने ये नोट किया कि मैंने सिर्फ ये चेंज किया है तो मेरी पाइपलाइन डिप्लॉय हो गई. मतलब चलो गुड है, डिप्लॉय नहीं हो रही सर. मेरा भी यही इशू था. मैंने सर जो टोकन जनरेट किया था ना, मैं उसको दोबारा रीजनरेट कर रहा था. तो जब टोकन रीजनरेट करते हैं तो वो जो की जनरेट होती है, वो जो स्ट्रिंग होती है वो चेंज हो जाती है हर बार. तो मैंने कोड पुश करने के लिए उसको दोबारा से न्यू क्रिएट नहीं किया था, बल्कि उसी पुराने को रीजनरेट कर दिया था. तो अब मैंने पाइपलाइन के लिए एक अलग से टोकन बना लिया. तो अब वो कोड डिप्लॉय तो हो गया लेकिन कनेक्शन नहीं बना, मीन गिटहब रेपो और कोड पाइपलाइन के दरमियान. तो कहता है कि ये वाली रेपो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अभी उसको रिजॉल्व करना है. नहीं अभी आपका अभी का इशू आ रहा है सर? पाइपलाइन डिप्लॉय हो गई है लेकिन वहां पे जो पहली स्टेज होती है वहां पे ये इशू आता है कि ये वाली जो आपने गिटहब रेपो दिया ये है ही नहीं. सोर्स में इशू आ रहा है यानी कि आपको पहली स्टेज. हां जी ठीक है. चलो ठीक है, वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स हो जाएंगे रिजॉल्व इंशाल्लाह. और शेरियार आपका भी यही इशू था, तो आपका भी रिजॉल्व हो गया? नहीं मेरा भी नहीं हुआ. मैंने अभी उसको गिटहब में उसको जो जेसन फील्ड पास किया लेकिन इशू फिर वही आया. तो वो देखा मैंने तो वो कोड बिल्ड स्टेप में दे रहा था. तो अब मैं अभी जो मैं डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप चल रहा है, तो वो है कि एक शेल स्टेप से दोबारा इसी चीज को कोशिश कर रहा हूँ. और चले रिजवान और साथ का तो पहले भी चल रहा था, तो आपका तो ठीक है कोई इशू नहीं था. असगर आपने अपने लोकल मशीन पे किया था सेट, उसके बाद फिर क्या क्या है अपडेट? सर मैंने रिजवान ने जो पैरामीटर बताया था ना फ्लैग का क्लाउड फॉर्मेशन का, उस पे मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस दी थी, तो उसके बाद फिर चल पड़ा था. अभी कोड पाइपलाइन चल रहा है आपका उधर? यस सर, अभी तो मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था कल, लेकिन परसों चल रहा था जब मैं डेमो दे रहा था. चलो ठीक है गुड. सायरा अपडेट? ओके चलें, तो इसका मतलब है कि जो ओके चलें सायरा आई हैव नॉट स्टार्टेड. ठीक है चलें सही है. तो बेसिकली अभी सबका चल रहा है जो इसका शेरियार का तो इशू आ रहा है, बाकी फहीम का वो गिटहब का लोकेशन का इशू है, लेकिन बाकी एटलीस्ट वो डिप्लॉय हो गया कोड पाइपलाइन, तो ये तो चलें गुड है. अब अगेन जब इस वीक आपने ना सिर्फ वो डिप्लॉय करना है, बाकी उसमें चीज़ें जो थी इंटीग्रेशन टेस्ट यूनिट टेस्ट रोल बैक ये सब चीज़ें डिफाइन करनी है, और ना सिर्फ एक रीजन में बल्कि मल्टीपल रीजन में डिप्लॉय करना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसके बाद जब आपका कोड पाइपलाइन चलना स्टार्ट हो जाता है तो ये सब चीज़ें आपने करनी है, राइट? ये कि हम हमारे पास मतलब बीटा है गैमा है फिर प्रोडक्शन है, तो हम बीटा गैमा बीटा को एक रीजन में गैमा को एक रीजन में करेंगे या एक ही स्टैक को हम दो डिफरेंट रीजन में भी डिप्लॉय कर सकते हैं? एक ही को आप दो डिफरेंट में कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही स्टैक है उसको मल्टीपल रीजन में डिप्लॉय कर सकते हैं. ठीक है ठीक है. और सेकेंडली प्लीज गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट ऑल्सो जो मैंने पिछले वीक के स्टार्ट में अपलोड किए थे आपके प्रोजल पे. जी सर वो मैंने
ठीक है, वो आप देखें तो आपके ये पूरा जो पाइपलाइन के वो क्यों करते हैं, कैसे होता है, ये सब चीज़ें उसमें डिटेल में उसके एटलीस्ट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा चीज़ें उसकी। ओके डिप्लॉय हो गया मेरा भी। चलें गुड है फिर तो, आपका भी हो गया। आपने भी किया है शेल स्टेप के थ्रू? शेल स्टेप के थ्रू है, कोड बिल्ड में वो मसला कर रहा था ये चेंजेस करने का। तो फिर आपने क्या कोड बिल्ड में क्या किया, क्या स्टेप किया? कोड बिल्ड में मैं रोल डिफाइन कर रहा था और वो रोल पास कर रहा था, अब उसको मैंने कमेंट करके दोबारा शेल स्टेप में चेंज किया तो उसने डिप्लॉय कर दिया। अच्छा, यानी कि वो रन कर रहा है अभी सारे सारे स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ चेक नहीं कि डिप्लॉय हो गए। ठीक है, चलिए गुड है। और चलिए हाँ ठीक है, इस तरह आई थिंक कोड बिल्ड पे ठीक है। चले रिजवान और साथ में उसके थ्रू किया है, शेल स्टेप के थ्रू हुआ है, ठीक है फाइन। और एटलीस्ट आपको पता लग गया कि अगर इस तरह की कोई परमिशन या पॉलिसी इश्यूज आते हैं तो यू कैन यूज कोड बिल्ड और उसमें आप ये सारी पॉलिसी उसमें ऐड करते हैं, देन यू कैन रन योर पाइपलाइन। ये तो ठीक हो गया। तो उसके अलावा फिर अभी आज का डिस्कस करें, काम करने दिया जाए और आप करें काम। सर वो थोड़ा सा बता दें कि वो यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए लिखने, क्या चीज उसके अंदर वेरीफाई करनी है हमने, और फिर उसमें रोल बैक का थोड़ा सा बता दें कि वो किस मतलब वो उसमें क्या। यूनिट टेस्ट तो आपने लिखने है ना, जैसे इसके लिए फॉर एग्जांपल लैम्डा है अगर आपका, उसके लिए आई थिंक लास्ट टाइम आज वो नहीं है, मुबशिरुल्लाह नहीं है आज जी, उसका मैसेज आया था स्लैक में, वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो शायद कनेक्टिव सेशन में नहीं होंगे, मैं शायद बैकएंड पे काम कर रहा हूं। तो आई थिंक उसने लास्ट टाइम मेंशन किया था कि वो लैम्डा को यूनिट टेस्ट के लिए उसने एक लाइब्रेरी या कोई किसने बताओ कोई। जी जी सर, वो उसका लाइब्रेरी का नाम है मोटो, और उसके ऊपर एक दो मुझे आर्टिकल्स मिले जो कि मैं स्लैक पे भी डालने लगा वो, और उनकी GitHub की रेपो के भी एग्जांपल्स हैं दिए हुए, तो वो उसको और पाई टेस्ट को यूज करते हुए हम सर्विसेज टेस्ट हम अपनी जो भी चीज फंक्शनैलिटी ना वो टेस्ट कर सकते हैं। वो करता क्या है कि वो बेसिकली मॉक सर्विसेज क्रिएट करता है, यानी कि वो एक्चुअल में AWS से क्रेडेंशियल्स वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो बोटो 3 ये लाइब्रेरी से इनको लगता है कि वो हैं क्रेडेंशियल्स हैं, तो वो एक टेम्परेरी सर्विसेज वगैरह खुद बना के असल AWS रिसोर्सेज को हाथ नहीं लगाता, तो उसके थ्रू वो टेस्टिंग कर लेता। ठीक है, तो ठीक है, इनको यूज करके ना पाई टेस्ट और मोटो इनको यूज करके आपने लिखने हैं। आई मीन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक टेस्ट, मे बी आप स्टार्ट के से एक सिंपल से एक टेस्ट है, मे बी डूइंग नथिंग, लेकिन आपका वो पाइपलाइन में कॉल हो रहा है, तो यू स्टार्ट विद दैट एंड देन स्टार्ट एडिंग कि अच्छा मैंने ये बेसिक तो बन गया, अब इसमें मैंने लैम्डा को टेस्ट करना है। लेट्स से उसमें ऐसा टेस्ट है कि अगर आप एक एक ऐसा दे देते हैं अपना जो URL की लिस्ट है वो ठीक नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो मे बी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक कि अच्छा काम अगर कोड पाइपलाइन में ये चीज़ें होनी है, तो आपने ब्लैंक में भी एक टेस्ट है वो रन कर रहा है और उसमें फिर आप जो है ना एक एक टेस्ट डालते स्टार्ट कर दें, और इसी तरह इंटीग्रेशन टेस्ट में भी उसके भी उसको भी सर्च करें कि उसमें आपको क्या क्या होना चाहिए। बेसिकली मकसद यही है कि कम अप विद यू नो ऑल दीज टेस्ट, ये क्या क्या हो सकते हैं टेस्ट, और मोटो वन एग्जाम्पल उसको आप यूज करके करें, बाकी भी आप देखें कि क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह रोल बैक तो आपको इसकी जो है लाइब्रेरी से पता लग जाएगा कि इफ यू नो समथिंग इज नॉट वर्किंग तो हाउ टू रोल बैक, वो तो एक दो कमांड होगी आपने वही उसकी फंक्शन है वो लिखनी है, उनको यूज करना है टू रोल बैक टू द प्रीवियस वर्जन। ठीक, तो चूंकि हमने इस पिछले का ही कॉन्टिन्यूएशन है तो आई थिंक ये सब टास्क इंस्टेड के मैं आपको बताऊंगी क्या क्या फंक्शन है करने के, यू डू इट योरसेल्फ। ठीक, पाइपलाइन ऑलमोस्ट आप सबका काम कर रहा है, अब आपने सिर्फ उसमें ये टेस्ट डालने हैं, इंटीग्रेशन यूनिट टेस्ट रोल बैक का डालना है और डिप्लॉय करना है मल्टीपल रीजन। ठीक है, तो ये आपका इस पूरे वीक का ये टास्क होगा जिसको आपने कम्प्लीट करना है। ठीक है, और इसमें कोई इशू आता है देन ऑफ कोर्स यू नो वी कैन वी आर हियर टू हेल्प, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि अगर नहीं समझ आ रही तो कैसे करना है। तो जो यूनिट टेस्ट भी हैं वो भी मैं भी ये मैं कर सकता हूँ कि
एटलीस्ट ये बेसिक एटलीस्ट होने चाहिए, उनकी एक मैं लिस्ट प्रोवाइड आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये टेस्ट तो आपको मिनिमम करने हैं, उसके अभी इफ यू गो अबव एंड बियॉन्ड तो वो ठीक है आप करें, लेकिन ये टेस्ट बेसिक होने चाहिए, तो वो मे बी आई विल प्रोवाइड दैट यू नो आपके स्लैक पे या गूगल पे वो डाल दूंगा कि ये टेस्ट आपने करने जरूरी है, सर ठीक है. तो अदर देन दैट आई थिंक यू कैन कीप ऑन वर्किंग, चीजें ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं है कि जिसपे हमें कोई और सेशन होना चाहिए, तो आप इसको कंटिन्यू रखें, शाम को फिर दोबारा मिलते हैं, उस पर दोबारा डिस्कस करते हैं जो चीज़ें आपको अभी आज के दिन में इश्यूज आते हैं, देन वी विल डिस्कस दोस. तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम मी. आयशा आई थिंक आई डोंट नो जी जी बस आई थिंक हाँ जी नहीं दैट्स अबाउट इट. आज मैंने इनसे डिस्कस करना था ईमेल राइटिंग और मीटिंग मिनट्स, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट फाइंड टाइम टू वर्क ऑन इट. But inshallah ta'ala, maybe tomorrow or the day after. On Wednesday, we have a guest guest lecture by Kamran. So maybe after his lecture or tomorrow, we are going to do that. So let's call it a day as of now. We are, at 9 o'clock, we can meet again. And if you have any issues, we'll discuss it then. At 3, aaj ka hamara jo hai wo hoga 3:30 ke 3 pe hoga, right? 3 p.m. pe, Pakistan time. क्या होगा okay. पहले हम 3:30 पे था ना, तो उन्होंने चेंज करा दिया था 9 o'clock 3 p.m. पे. जी हाँ अब हाँ जी हाँ जी 3 o'clock बिल्कुल सॉरी तो उस पे सेशन होगा ठीक. और आप कल सैटरडे को आप लोग गए थे इधर लाहौर, कोई पिक्चर नहीं, वो कैंसिल हो गया था, प्लान कैंसिल हो गया था जी, वो इस वीकेंड पे है. अच्छा इस वीकेंड पे. अच्छा बस ये दिस इज द लास्ट वीकेंड दैट यू कैन कैच समी, आई थिंक देन ही विल बी ट्रैवलिंग. So let's see, अब तो आप next हो गए तो अब तो उमर भी जा सकते हैं, I guess that would be wonderful. आप और वो इमरान बेशक इकट्ठे चले जाइएगा, so that would be wonderful. माशाल्लाह माशाल्लाह all of you together. ठीक है चलिए वो confirm करते हैं इमरान तो फिर देखते हैं. Thank you very much everyone and inshallah we'll see you all at 3. Inshallah okay. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz.